आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कक्षा 10वीं की रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जो छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल हुए वह अधिकारी वेबसाइट cbse.nic.in और cbserizult.nic.in पर जाकर अपने स्कोर देख सकते हैं। इसी के साथ रिजल्ट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे शाहमार्ग के खेल में सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारी पड़ गए हैं। कांग्रेस ने बगावत का रुख अख्तियार करने वाले सचिन पायलट को डिप्टी CM और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। वहीं सचिन पायलट ने इंडिया टुडे मैगजीन से विशेष बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से अशोक गहलोत गैंग पार्टी में हावी हो गया है, जिसके चलते हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अभी 1 महीना हो गया है। फैंस अभी भी उनके निधन की खबर से उबर नहीं पाए। सुशांत को हर कोई मिस कर रहा है। एक्टर फिल्म क्रिटिक बने KRK ने सुशांत की बायोपिक प्रोड्यूस करने का ऐलान भी किया। अब भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज तक से खास बातचीत में सुशांत पर भोजपुरी फिल्म बनाने को लेकर अपनी राय रखी है। पिछले 4 महीने से दिल्ली अदालत में कोरोना के चलते कामकाज ठप होने से दिल्ली के वकीलों के लिए आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं। खास तौर से जिला अदालत में काम करने वाले वकीलों के लिए फिलहाल परिवार को चलाना खासा मुश्किल हो गया है। ऐसे ही वकीलों और उनके परिवारों की मदद के लिए दिल्ली बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर PM केयर्स फंड से 500 करोड़ रुपए की मदद की गुहार लगाई। कोरोना संक्रमण के समय नागपुर महानगर पालिका सामाजिक कल्याण विभाग और शहर के विविध सामाजिक संस्था के संयुक्त उपक्रम से शहर में विविध जगहों पर रास्तों पर बसेरा करने वाले लोगों को एक सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम किया गया, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफी मदद हुई थी। अब इसी तर्ज पर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इन सभी संस्थाओं ने यशवंत स्टेडियम के पास बसेरा करने वाले लोगों को अपने गांव छोड़ने का जिम्मा लिया। मंगलवार की दोपहर 3 बजे के बाद और फिर देर रात कई इलाकों में तेज बारिश हुई। रात को ही बारिश से कई इलाकों में जल जमा हो गया। मंगलवार को हुई बारिश से शहर का प्रसिद्ध अंबाजारी तालाब ओवरफ्लो हो गया है। ये पहली बार है कि तालाब इतने कम ही बारिश में ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद तालाब का परिसर किसी हिल स्टेशन की जैसे दिख रहा था, मगर कोविड होने के कारण भीड़ शहरवासियों की नहीं दिखाई दी। नागपुर अमरावती राजमार्ग पर दिन भर घूमने वाले आवारा मवेशी वाड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। अमरावती राजमार्ग पर दिन भर आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। मालिक मवेशियों के दूध निकालकर आवारा छोड़ दे रहे हैं। वाहन चालक कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बरसात में गाय खाक के चक्कर में घूमती रहती है। इसके खिलाफ नगर परिषद ने आज से ही धरपकड़ करने की सख्त जरूरत है, लेकिन नगर परिषद ने इस साल आवारा मवेशियों की धरपकड़ नहीं करने से खुलेआम घूम रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। बिहार के सभी जिला मुख्यालय अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय से 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रेल विमान सेवा जारी रहेगी। वहीं शॉपिंग मॉल धार्मिक स्थल सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीकों ने स्किल को बदल दिया है। आज हमारे युवा कई नई बातों को अपना रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि आज की दुनिया में हेल्थ सेक्टर में कई तरह के द्वार खुल रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच देश में अनलॉक की प्रक्रिया भी चल रही है। देश में अधिकतर गतिविधियां शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से देश में लॉकडाउन के कोई संकेत नहीं दिए।